हमारा दीन स्टार्ट होता है इकरा, जो पहली वही है वो क्या है, इकरा द नॉलेज, ठीक है, यानी कि नॉलेज जो है वहां से हमारा दीन स्टार्ट हुआ कि पढ़, ठीक है। तो थ्री टाइम्स हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इकरा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई मुझे पढ़ना नहीं आता, थ्री टाइम्स कहा, और थ्री टाइम्स जो है जब इकरा कहा कि पढ़, तो नबी पाक सल्लम ने थ्री टाइम्स यही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मतलब मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि नबी पाक सल्लम तो उम्मी थे, उनको तो किताबें पढ़ने नहीं आती थी। फिर जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि पढ़ अपने रब के नाम से, तो यानी कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पढ़ा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कि हर वो इल्म जो अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक कायम करता है ना, असल में वही इल्म होता है। बाकी ऐसा इल्म जो अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक कायम नहीं करता ना, वो जैसे एक फनून, इल्म फनून हम कहते हैं ना इसको, वो होता है, ठीक है। लेकिन एक रब इसमी रब्बी कल्लजी खलक, वो इल्म जो है जो अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक जोड़ता है, जो बंदे को बताता है तेरा रब कौन है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, ठीक है, जिसने तुझे तख्लीक किया। नंबर दो जो दूसरी वही थी वो थी नमाज के बारे में, इबादत कर, किस रब की इबादत करनी है, इबादत अल्लाह की। और तीसरी जो वही थी ना जो नाजिल हुई थी, वो थी दावा के बारे में कि दावत देनी है। सबसे पहले इल्म हासिल करना है, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, इल्म हासिल करना है कैसे, बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के, पढ़ उस रब के नाम से, ठीक है, हमने पढ़ना है उस रब के नाम से जिसने तख्लीक किया हमें इंसान को। नंबर दो, फिर हमने उसकी इबादत करनी है। जब हम इन दो चीजों में कंप्लीट होंगे बेटा, फिर दावत का काम शुरू होना है हमारा, ठीक है। और शैतान उसके रास्ते से भाग जाता है, उस शख्स के रास्ते से भाग जाता है जो कि दावत देता है। ये जो अजान है ये क्या है, दावत है, ठीक है। तो क्या होता है, जब अजान दी जाती है शैतान भाग जाते हैं उस इलाके से, सही। तो इसी तरीके से जब हम जो है नहीं अनिल मुनकर, अमल बिलमारूफ व नहीं अनिल मुनकर, ठीक है, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास से शयातीन भाग जाते हैं, ठीक है। अगले की हिदायत हो ना हो, हमारी तो होगी ना, हमारे रास्ते से शैतान ही भाग गया, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, ठीक है। कहा जाता था ना कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिस रास्ते से गुजरते थे वहां से शयातीन भाग जाया करते थे, इतना ईमान का लेवल हाई था। तो हमने भी अपने शयातीन को ऐसे ही भगाना। नंबर टू, आपने कातबीन वही में से एक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, हजरत अबू, अब ये कातबीन वही क्योंकि मोस्टली मस्जिद में रहा करते थे, ठीक है, नबी पाक जैसे ही वही नाजिल होती थी तो लिख लिया करते थे वही। तो क्या होता था कि इनका खाने पीने का कोई इतना ज्यादा नहीं होता था, हजरत अबू हुरैरा और बाज़ औक़ात उन्होंने पेट के साथ पत्थर बांधे हुए होते थे। तो एक दफा किसी खजूर के दरख्त पे लटके हुए थे, खजूरें उतार रहे थे, तो नीचे से एक सहाबी आए और उन्होंने कहा अबू हुरैरा तेरी टांगों के वजन से कहीं ज्यादा इन खजूरों का वजन है, यानी कि उनकी टांगे इतनी लीन थी, इतनी पतली थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके जो ईमान का जो है ना एक वेट है, वो पता नहीं ओहद के पहाड़ के से भी ज्यादा है, इतना ज्यादा वेट है ईमान का, बेशक उसकी टांगे पतली हैं लेकिन उसके ईमान का लेवल कितना ज्यादा है। तो ये वो चीजें हैं, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। नंबर दो, फिर हमने इबादत करनी है, किसकी, अल्लाह ताला की करनी है, ठीक है, और आबिद इबादत गुजार, यानी कि अल्लाह को भी मानना है और अल्लाह की भी मानना है। इबादत सिर्फ पांच वक्त की नमाजें नहीं है, अल्लाह को मानने और अल्लाह की मानने का नाम है इबादत, ठीक है। हम तो चलते फिरते भी सुभान अल्लाह कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारा जो है सेलिब्रेशन का तरीका कैसा है, क्या हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले कैसे होते हैं, ठीक है, अल्लाह वाले कैसे होते हैं, ठीक है। तो कुरान मजीद में है ना सिबगतुल्लाह, कि बेहतरीन रंग तो अल्लाह का है, सिबगतुल्लाह अल्लाह का रंग, बेहतरीन रंग तो अल्लाह का है। कौन होते हैं अल्लाह वाले,
ठीक है, वलीउल्ला कौन होते? वलीउल्ला कोई वो कोई स्पेशल नूरी बाबा साहब नहीं होते, ठीक है? वलीउल्ला किसे कहते हैं? अल्लाह का दोस्त, ठीक है? और वो वलीउल्ला कोई भी आम इंसान हो सकता है, ठीक है? उसको वलीउल्ला कहते हैं, अल्लाह का दोस्त, ठीक है? तो ये सिबगतुल्लाह जो है, बेहतरीन रंग तो अल्लाह का है, तो कौन है जो अल्लाह के रंग में ढल जाए? ये भी सूरतुल बकरा की एक आयत है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो कौन होते हैं जिन पे अल्लाह का रंग, अल्लाह का झोल चढ़ता है? जिनके बोलने से, जिनके उठने से, उनके बैठने से अल्लाह याद आ जाता है। हम अपने आप को अगर टेस्ट करें तो हमारे उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से, क्या हमारा लिबास ऐसा है कि अल्लाह याद आ जाए? सबसे पहले तो लिबास की बात आती है, एक इंसान की पर्सनैलिटी क्या होती है, उसका लिबास होता है। एक फौजी जो है, अगर डॉक्टर का लिबास पहन लेगा तो उसको सारे डॉक्टर कहेंगे, उसको फौजी नहीं कहेंगे। और डॉक्टर अगर फौजी का लिबास पहन लेगा तो हम ना तीतर है ना बटेरा, लिबास हमने वेस्ट वाला पहनना है, इबादत हमने अल्लाह की करनी है, लोग क्या कहेंगे? ये अगर हम वेस्ट में जाते हैं और हम पेंट शर्ट पहन के जाते हैं, वहां के लोग हमें क्या कहेंगे? मुसलमान है या वेस्टर्न है? वेस्टर्न कहेंगे ना। तो बेसिकली अल्लामा इकबाल ने यही बात तो की थी ना, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बेसिकली हम ना 3 में है ना 13 में, ठीक है? और फिर जो दावत का काम है, यानी कि तुम नेकी का हुक्म, उखरिजत लिन नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हमने इस उम्मत को इसलिए निकाला कि ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, ठीक है? और आगे जाके अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, यानी कि तुम नेकी का हुक्म नहीं दोगे और बुराई से मना नहीं करोगे, तो हम तुमसे कमतर लोग मुसल्लत कर देंगे। आज हमें अपने अंदर देखना है, अपने घरों के अंदर झांक के देखना है। माँ बाप अपनी औलाद को कुछ भी कहने से डरते हैं। पहली बात, ये अपने माँ बच्चों को तो ना की आदत ही नहीं डाली होती ना, बच्चे ने मांगा नहीं और माँ बाप ने दिया नहीं, चाहे वो राइट है या गलत है। राइट एंड रॉन्ग नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ने मांगा, मैंने दिया, एट द एंड वही बच्चे आपको नौकर बना के रखेंगे। अल्लाह ने आपसे कमतर लोग आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया, अल्लाह ने आपकी औलाद को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया, और आपको आज 99% घर ऐसे नजर आएंगे। आते हैं कि नहीं आते? फिर माँ बाप कहते हैं, बच्चे तो हमारी बात मानते ही नहीं है। और उस वक्त भी माँ बाप अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का रास्ता नहीं इख्तियार करते। जी अब तो ये बड़े हो गए, अब तो हमारा फर्ज ही खत्म हो गया, जी अब तो हमने इनको वैसे ही नहीं कुछ कहना, ठीक है? फिर ये वाले जवाब आ जाते हैं, जब तक हम ये नहीं करेंगे, नेकी का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से नहीं मना करेंगे, तब तक हमसे कमतर लोग हम पे मुसल्लत रहेंगे, ठीक है? खाली फिर शैतान नहीं होगा, खाली फिर नफ्स नहीं होगा, और भी कमतर लोग आएंगे। इसी तरीके से आज मुसलमान क्यों मार खा रहा है? अल्लाह ने हमसे कमतर लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। वो एक कौम थी ना जिसके ऊपर अजाब आया था, तो वो उसमें एक बहुत नेक इंसान था जो एक कमरे में रह के इबादत करता था अल्लाह की, तो उस कौम पे भी अजाब आ गया था और वो बंदा भी गर्क हो गया था। तो फरिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह इस बंदे को क्यों गर्क किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने एटलीस्ट इतना भी नहीं कहा अपनी कौम को जाके कि तुम ये गलत है, तुम ऐसा मत करो। तो उस पे भी अजब, अल्लाह ताला को हमारे सजदे खाली नहीं चाहिए, रहबानियत नहीं है इस्लाम में, ठीक है? और हम इस वजह से लोगों को गलत नहीं कहते कि हमारी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी, फिर तो लोग समझेंगे ये पागल है। तो कहने देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो क्या कुछ नहीं कहा गया, ठीक है? मजनू कहा, पागल कहा, नाउज़ु बिल्लाह दीवाना कहा, शायर कहा, क्या कुछ नहीं कहा गया। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा ना। लेकिन हमने अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कहाँ से लेना है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अभी तो हम नॉलेज के पहले दर्जे पे अभी हमने कदम रखा है। नंबर टू, हमने इबादत करनी है अपने रब की, उसको मानना है, उसकी मानना है। तो जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे, सेकंड लेवल पे आ जाएंगे, तो हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी। फिर थर्ड नंबर पे आता है दावत का काम। फिर आप करें कि नहीं, और फिर कैसे करना है? कूलू ले ना से उसना, बात करो तो आसान तरीके से करो, खूबसूरत तरीके से बात करनी है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, फतवे नहीं देने, ठीक है? लोग कहें कि मैं इसकी बात सुनूं,
और अगर कोई नहीं भी सुनना नेवर सुनता नेवर एवर बॉदर इट, क्योंकि अल्लाह की बात सुनना, अल्लाह की मजलिसों में बैठना, ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती। ये तो अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं जो मजलिसों में बैठते हैं अल्लाह की, ये तो अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं जो जिनके पास आके चंद एक खुश नसीब लोग उनके पास आके बैठते हैं। समंदर के पास आप गए हैं और वहां से तर भी ना हो तो कसूर समंदर का नहीं है, कसूर वहां पे जाने वाले का। तो कौन कैसा है वो वहीं पे जाता है, ठीक है। तो ये तीन लेवल्स हैं, अपने जहन में रखिएगा। कुरान पढ़ने के बाद ये मत सोचिएगा कुरान खत्म हो गया, कुरान कभी खत्म नहीं होता, कुरान की तकमील होती है, तकमील है कुरान होता है, ठीक है। नंबर टू, उसके बाद जो है ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह के बंदों के साथ फिर हमने जुड़े रहना होता है, फिर हमने दावत का काम करते रहना होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे ये कुरान हमें भूल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए वक्त जरूर निकालना है। चलिए जी, आज के लेसन की तरफ चलते।